आप वेलकम टू दिस सकल गाइस, आइए आप सभी को सकल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ बनारस से, जो बनारस में राजघाट है वहाँ पर ले चलते हैं। एक एक से जो सलाह क्रिया के लिए पहुँचते हैं, मैं कुछ दिन आप लोग को दिखाता रहूँगा। सकल यूट्यूब चैनल में बने रहे, और आप देख रहे हैं गाइस ये हम लोग यहाँ जो अपनी बड़ी माता का अस्थियाँ यहाँ अस्थियाँ गंगा में प्रवाह करने के लिए प्रवाह करने के पश्चात हम लोग सब नहा रहे, स्नान कर रहे हैं। कुछ ही पल में हम लोग अभी यहाँ बाल को छिलाई करेंगे और गंगा घाट की तरफ चलेंगे। गंगा घाट की तरफ हम लोग चले जाएंगे और वहाँ पूजा अर्चना होगी। जो हम लोग लाए हैं लाइन उसकी हम लोग अभी गंगा नदी में प्रवाह कर देंगे। चलो ठीक है, बने रहें मेरा यूट्यूब चैनल में, तुम्हें संभालेंगे। और ये है राजघाट, हमारे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध गंगा नदी में राजघाट है, जहाँ पर हम लोग अपने पूर्वजों को और माता पिता को अस्थियाँ बहाने के लिए आते हैं। गंगा महानदी जो पवित्र नदी हिंदू धर्म का है, उसके श्रद्धा कर्म के लिए सभी लोग यहाँ आते हैं, अपने माता पिता को मुक्ति पाने के लिए। और गाइस यही हम लोग का ढुनढुन बाबा के पुरोहित इन्हीं के माध्यम से हम लोग का अस्थियाँ को अभी यहाँ प्रवाह किया जाएंगे। अभी इन्हीं के माध्यम से देखिए पिंडदान के लिए सभी लोग लाइन से लग चुके हैं, और अभी इनके बताए हुए मार्ग दिशा अनुसार अभी इस अस्थियों को प्रवाह करेंगे, उसके बाद पिंडदान का कार्यक्रम किया जाएगा। भारत गंगे अभियो मोक्ष वाराणसी क्षेत्र रिवा कहा जात हो गंगा तटे जेठ मानस उन पवित्र मानस शुक्ल पक्ष परिवायाम पुनः से तो अपना नाम लीजिए गोत्र बोलिए अस्थि विसर्जन संकल्प दक्षिणा अन्नदान जलदान गौदान पिंडदान ब्राह्मण भोजन पंचदान विद्यादान उत्तम दान बात करिए चार जो अच्छा छह करिए बोले अयोध्या मथुरा माया सबसे मुख्य दायक प्रणाम कर लीजिए। अब 25-25 रुपया नाव भाड़ा दे दीजिए और नाव से छोड़ के नहा जाइए पिंडा करना। सिंह जी उठाइए, सिंह जी अरे पहले तू काम कर, अरे पीछे और गाय जिस तरह से भी हमारे मिठू भैया जी अरे पानी ले जाने का ले लेंगे, जाते हैं भर लेंगे, कुछ करना करना कुछ नहीं। गए हैं उन लोग, वो लोग गए, हम काल लगा फालतू, हम लोग चढ़े हैं यार, आप लोग बड़ी मतलब चढ़ाए हैं। ले बच्ची आओ,
जो हम जाते ऊपर तू जो उठा अरे ले 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 मुझे जो तू डिब्बा ना ले लो ना मेरा दूर देना ही सिस्टम्स होता है ना और गाइस इस तरह गंगा नदी के मध्य भाग में जाकर के माता का हस्तिया प्रवाह करने के लिए नाव यहाँ से जा चुकी है और हमारे बड़ी माता मिन्या देवी का कुछ ही पल में उसकी अस्थियां को गंगा पवित्र नदी में प्रवाह कर दिया जाएगा। आपको भी जाना है बोट से? और ये देखो मेरा सुमित पटेल गंगा नदी में बाथिंग करते हुए और इसी गंगा नदी की उत्पत्ति हिमालय पहाड़ से हुई है और आप देख रहे हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी अधिक मात्रा में और इतनी पवित्र जल हमेशा हिमालय पहाड़ से निकलते रहती है। हिमालय से उत्पत्ति होती है और कन्याकुमारी में जाकर के इनकी समाप्त हो जाती है। और आप देख रहे हैं गाय जी हम लोग यहाँ जो अपनी बड़ी माता का अस्थियाँ गंगा में प्रवाह करने के लिए प्रवाह करने के पश्चात हम लोग सब नहा रहे स्नान कर रहे हैं और गंगा माँ का गोद में हम लोग नहा करके शुद्धि प्राप्त कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख रहे हैं तमाम श्रद्धालु लोग यहाँ आकर के अस्थियाँ बहा रहे हैं और देख रहे हैं गाइस सभी लोग नहा रहे हैं। मैं भी नहाने का पूरा तैयार कर रहा हूँ। जय गंगे माता। पूरा ही मज़ा आ रहा है नहाने में। और गाइस हमको बहुत मज़ा आया नहा के गंगा नदी में। फर्स्ट टाइम नहा रहे हैं। बहुत मस्त है एकदम। गड्ढा भी बहुत है। और नो चाह तो कैसा लगा सुमित? बहुत मजा आया नाव में। बीच से लेके आया हमको मजा आ गया। और इस तरह का नाव में चढ़ा मेरा सुमित पटेल और सभी लोग और बहुत जो भी विधि विधान उसके पास चला सभी लोग। और ये देखिए गाइस ऊपर में
ट्रेन गाड़ी चल रहा है, रेल, और नीचे गंगा नदी बह रहा है। और ये देखिए गाइस, गंगा नदी का मंदिर। ये देखिए गाइस, डबल डबल ट्रेन चल रहा है, एक उधर से जा रहा है और एक आ रहा है। चल रे ए भैया, आप जो जो चाय सब ले लिया, पहले कपड़ा पहने, गर्मी लगी ना, पहले पूरा कपड़ा पहन लीजिए। पैसा दे दे, काम करो ना। अरे कहाँ है कैमरा वाला जे? देख लो वहाँ रह गया, नहाए ना, देख लो वहीं रह गया। पहले 25 रुपए दिए थे, दे करके कौन पर आया? बाबा से मांगो सामान का पैसा, हम 15 रुपए लेते हैं, पता ना टाका। चलिए हम लोग को दीजिए, पंडित जी हम लोग के हो जा रहे, दीजिए लग रहा है, क्षेत्र क्षेत्र पिंड श्राध काम पिंड स्वरूप दूसरा पिंड ओम क्षेत्र थोड़ी सब काम है कुछ उठने तो बैठिए 15 रुपए अब कुछ ही पल में पिंडदान करते हुए इसे प्रवाह करने के लिए जा रहे हैं मेरे भैया।
और ये देखिए गाइस, लिखा हुआ है कुछ कुछ घाटों पर गंदगी ना करे, कूड़े को कूड़ेदान में ही डाले, घाटों पर शौच करना मना है, शौचालय पर प्रयोग करें, विशाल पर्यटक स्थान। और ये देखिए गाइस, राजघाट का कुछ इसके बारे में। संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर है, जो बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा शिलान्यास 12 अप्रैल 1979 में हुए थे। राजघाट काशी बनारस यही है दोस्तों। आइए मैं आपको काशी बनारस के एक एक दृश्य आपको मैं दिखाने का कार्य करता हूँ। अरे बट वृक्ष आज का नहीं है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, ये 400-500 साल पहले की है। आप इसकी अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी डाल कितनी दूरी दूरी है और आज भी है। देखिए गाइस, दादू बुक ले रहे हैं। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गंगा नदी के तट में एक जो स्टेज बनी हुई है, स्टेज में नित्य दिन सुबह और शाम माँ गंगा का आरती होती है। प्रत्येक हम लोग इस तरह गंगा नदी में सारा जो प्रक्रिया था करके हम लोग अब अगला कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे, इसके बाद गौधाम होती है, जो गौधाम के कार्यक्रम होती है अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। अरे वही चीज विष्णु भगवान का ध्यान करिए, बोलिए उनको प्रणाम करिए। अब आपके खुशी करे तो चढ़ाने को तो चढ़ा गया, अन्ना खुशी करे तो प्रणाम करके आए। जिसका जो प्रेम करे भोजन के नाम पर चढ़ा सकता है, अगर आपकी इच्छा हो तो, ना इच्छा हो तो आपका मन आइए। और जिसको दान करना मन ना आइए जो आपका विचार हो लेना हो तो हमको छुआते हैं प्रणाम कर रहा। और दोस्तों आइए मैं हम अपने पुरोहित धुनमुन पंडा जी के आश्रम में पहुंच चुके हैं। जैसे कि अपनी बड़ी अम्मा का श्रद्धा क्रियाक्रम के लिए, तो ये धुनमुन पंडा जी के पुरोहित लोग हैं, अति उनके सदस्य लोग हैं, पारिवारिक सदस्य लोग हैं और हम लोग उतने दूर से चल करके आते हैं। बाबा आप हमें जजमानों के लिए दो शब्द रख दीजिए ताकि आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग हंसी खुशी चल सकें। जय काकी विश्वनाथ, सभी का मंगल हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आपका जो है चैनल या आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना जी। पितरों के वैकुंठ वास है, आपका कल्याण जी।
और जैसा कि गाइस हम देखे कि हमारे पूर्वजों का नाम भी यहाँ पर उल्लेख था, हमने पढ़ा देखा, पहली बार आया और आज मैं अपना नाम भी अंकित करके गया हूँ और मेरा बेटा सुमित पटेल भी आया है, नाम अंकित करके गया। चलिए जय जय, यहाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।